हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेली स्किन केयर आप किस तरह से करें, यानी कि अगर आप सारा दिन बाहर रहना है आपने तो डेली आप स्किन केयर अपने फेस की केयर किस तरह से करें। तो डेली स्किन केयर के लिए जो सबसे पहले आपको जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके अपने फेस को क्लीन रखना है। तो क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पे अपना बैंड या फिर क्लिप कहें तो इसको मैं लगा लूँगी हेयर बैंड को। और सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका डेली स्किन केयर क्लीन का, आपने क्लीनअप के लिए आपने पानी से, मैंने एक हैंकी लिया है, इससे आप अपने फेस को पहले क्लीन कर लेंगे। देखिए आप चाहें तो वॉश कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल पानी है। सुबह उठ के आपको अपने स्किन को क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन कीजिएगा और वॉश कर लीजिएगा अपने फेस को। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। क्लीन करने से जो आपके सारे जो रात को अगर कोई प्रॉब्लम हुई होती है, यानी कि रात को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके फेस पे रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है सोने के टाइम पे भी, तो अगर कोई स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार या कुछ ऐसी चीज़, तो उसे अपने फेस को पहले हेल्दी रखना है, हाइड्रेट करना है। सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेट कर लीजिए। जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप कहिए, अगर आप सोप यूज़ करते हैं, सोप वैसे फेस पे यूज़ नहीं करनी चाहिए, सोप हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। मैं अपने फेस पे कभी भी सोप का यूज़ नहीं करती, बहुत टाइम से मैंने सोप का यूज़ नहीं किया। मैं डेली यानी कि आप दो दिन में एक बार आप एक बाउल लीजिए, ये है मेरे पास बाउल, इस बाउल में मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर डालना है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर लिया है और एक वन टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, बेसन इसमें डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने बेसन डाल दिया और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही का लिया है, ठीक है, फ्रेश दही है और इसमें डाल दिया। तो तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और इसको मुझे करना है मिक्स। तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया, बहुत ही इजीली हमने तीन चीज़ें डाली हैं। मैंने इसमें लेमन नहीं डाला है क्योंकि लेमन जो है हर टाइप स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता है, मेरे इसके लिए सूटेबल है, हर टाइप के लिए नहीं होता। ड्राई स्किन वालों को लेमन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस पेस्ट को मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और इसको आप चाहें तो सुखा सकते हैं और चाहें तो मसाज दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं इसे अपने फेस पर कम से कम 5 मिनट के लिए मसाज दूंगी। मसाज आपने कैसे देनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप मसाज दें तो मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मसाज दोगे तो आपकी स्किन लूज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज होनी चाहिए और अपने नोज़ के सराउंड, अपने लिप्स के सराउंड, अपनी आइज़ के सराउंड, इस तरह से पूरी अच्छे से मसाज दें। ये मसाज प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह से, इससे क्या होगा, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। कम से कम 5 मिनट के लिए आपने मसाज देनी है और आप चाहें तो 10 मिनट के लिए पैक को सूखने दें, ये पैक की तरह भी काम करता है, ये जो पैक टाइप का है इसे सूखने दें और फिर आप इसे रिमूव करें, ये आपकी विश है। आप चाहें तो मसाज दे के वॉश कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये जो है बहुत अच्छा है, इससे आपको सोप लगाने की भी अपने फेस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपकी जो स्किन है बहुत ही अच्छे से ग्लो करती है। तो हमने यहाँ पे फेस पे, अब मैंने क्या लिया है, अब मैंने सेम सिंपल वाटर से इसको निकाल दूँगी। सिंपल वाटर लिया है अपने हैंकी की हेल्प से, मैं ये जो हमने किया है इसे मैं निकाल देती हूँ। इसको आप वॉश कर सकते हैं प्रॉपरली और निकालने के बाद आपने अच्छे से इसे क्लीन करना है, जो सारी जो आपका फेस है वो क्लीन कर लीजिए। और ये जो स्टेप करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक अपन फेस पे कुछ मत लगाइएगा, सेम एज इट इज़ रहने दीजिए।
और ये जो थोड़ा बहुत वाटर है इसे भी टॉवल से साफ़ मत कीजिए, ये अपने आप ही आपके फेस पे सूख जाएगा कुछ ही टाइम में। गीला जो मैंने टॉवल लिया है इससे मैंने इसे क्लीन कर लिया, तो हमारा जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। क्या करते हो, जैसे कि आपने कभी कभी बाहर जाना है, आउटसाइड जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रीम लगाते हो, तो क्रीम आप कौन सी यूज़ कर सकते हो, आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। बहुत सारी मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए, जो भी है। मैं कोई पर्टिकुलर सनस्क्रीन नहीं बता रही हूँ, जो भी आपको लगानी है वो लगा सकते हैं। जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं ध्यान दीजिए कि जब तो उसकी जो डायरेक्शन है ना, आप किसी भी तरह अपने चेहरे पे लगा लेते हैं ऐसे 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 करके, नहीं तो उसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह डायरेक्शन में रखिए ताकि आपकी स्किन टाइट रहे। डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इस तरह से क्रीम को अप्लाई कीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन लगाने से आपकी जो स्किन है वो टाइट रहती है। और डेली सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने लाइनर वगैरह जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने फेस को एक्यूप्रेशर जरूर दीजिए या अपने फेस को मसाज जरूर दीजिए। मसाज देने से आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी जो स्किन है वो वाइटनिंग और टाइटनिंग हो जाती है जल्दी से। तो ये प्रोसेस जब आप बाहर जाते हैं सनस्क्रीन लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपना आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक जो भी लगाना चाहते हैं आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा था हमारा नेक्स्ट, हमने क्या किया, पहले क्लीन करना है ज़रूर, फिर आप चाहते हैं तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया है साबुन के बिना आप इस ऐसे क्लीन कीजिएगा, आपके फेस कभी भी ब्लैकनेस नहीं आएगी, काला नहीं पड़ेगा, रफ नहीं होगा। सेकेंड स्टेप अभी ये कर सकते हैं, थर्ड स्टेप है आप सनस्क्रीन लगाइए। और जब भी आप बाहर जाएँ तो बाहर कभी भी ऐसे खुले मुँह मत जाएँ, मीन्स टू से कि अपना मुंह, एक कॉटन का दुपट्टा आपके पास होना चाहिए, इससे आपको अपने माउथ को रैप करना है। रैप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने दुपट्टे को डबल कीजिए, अपने इस तरह से अपने ईयर्स के पीछे लेके जाइए, इस तरह से लेके जाएंगे, इसको आगे की तरफ रखेंगे और ये वाला जो साइड है ना, इस साइड को इस तरह से डबल, डायगोनल डबल करेंगे, डायगोनल डबल किया है दूसरा जो साइड है, और इसको इस तरह से रैप कीजिए और पीछे जाके बांध दीजिए इस तरह से। सनस्क्रीन भी जरूर लगानी है, ये प्रोसेस भी ज़रूर करना है। ऐसा करने से आपके फेस पे सन जो है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी और आपका फेस जो है वो सन टैनिंग से बचा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और बाहर जाते वक्त ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए। दुपट्टे को इस तरह से सेटिंग कीजिए, इससे आपका दुपट्टा निकलेगा नहीं और कहीं नहीं जाएगा और आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, आपने अपने दुपट्टे की सेटिंग करनी है और अगर आप कहीं छाँव में हो या कहीं बैठना है तो निकाल दीजिए। नेक्स्ट आप जो लास्ट है, अपने फेस को रेगुलरली मसाज जरूर दें। मसाज क्या होता है, अपने फेस के ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना, ये जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं इन्हें दबाना, ये वाले, ठीक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, ये वाले इस तरह से, ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से दबाना इनको, तो इन चीज़ों को ज़रूर दबाएं। अपने आपका जो बैक है इसके यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको अच्छे से दबाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो हेड में भी रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ को ज़रूर दबाएं। फेस को इस तरह से प्रेस करें, आपके फेस पे जो है ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए इस तरह से। तो ये जो सारे प्रोसेस है ये करने से आपको डेफिनेटली आपके फेस में कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस बताए हैं और ऐसा करने से आपको डेफिनेटली आपके फेस पे फ़र्क दिखाई देगा। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।